हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंटायर स्टडीज़। सो गाइस, अगर आप भी NBBS क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे रिजल्ट से रिलेटेड न्यू अपडेट के बारे में, क्या है नया अपडेट, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। सो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। सो गाइस, ऐसा बताया जा रहा था कि 10 तारीख को 10 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमने एक वीडियो में बताया था कि पिछले साल के अकॉर्डिंग प्रीवियस जो रिजल्ट आया था मेरिट लिस्ट, उसके अनुसार मैंने एनालाइज करके बताया था कि 13 से लेकर 15 सितंबर के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। तो अभी तो 11 हो रहा है, 10 सितंबर पार हो गया लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब वेट करते हैं 13 से 15 का। अगर 13 से 15 भी रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि रिजल्ट अब सितंबर के लास्ट सितंबर में आएगा, क्योंकि पिछले साल जो रिजल्ट आया था 25 सितंबर से आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कट ऑफ से रिलेटेड कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना होने वाला है, अगर आपका मार्क्स इतना है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा NBBS में, तब आप NBBS का जो मेरिट लिस्ट है उसके लिए वेट कर सकते हैं। नहीं तो आपका बहुत ही मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपका मार्क्स कम है, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको NBBS में भी सिलेक्शन ना हो पाए और इस दूसरे कॉलेज में भी आपका सीट फुल हो जाए, सीट ना मिल पाए, तो इस तरह से आपका वेस्ट हो जाएगा टाइम बहुत ज़्यादा, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। और गाइज, अगर आप चेक करना चाहते हैं NBBS का जो रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं खुद से अपने मोबाइल से, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पर जाने के बाद सर्च करना है आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी NBBS नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम और जहाँ है जिस शहर में वहाँ उसका नाम डालना है। फिर वहाँ पर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो उस फ़ोन नंबर पर डायल करके आप पता कर सकते हैं कि NBBS का रिजल्ट कब आने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है। तो इस तरह से आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।